Hello friends, this video is made in Hindi and if you guys want to have an English version of this video, please let us know in the comment section. If we have more than 200 requests for the same, we will make an English version of this video. Thank you. Hello friends, welcome to our YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं 9th of September को PU ने official guidelines exam के regarding उन्होंने अपनी रिलीज़ कर दी थी एंड जिसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स में काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों के मन में आ रहा है. उन्हें प्रॉपरली समझ में नहीं आ पा रहा कि एडमिट कार्ड्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, शीट्स के बारे में, व्हाट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और या मार्क डिवीजन कैसे करनी है. सो ये वीडियो सिर्फ उसी चीज़ के लिए हमने बनाई गई है ताजो बच्चों के मन में क्लैरिटी हो और उनके मन में सारा डाउट क्लियर करने के लिए. एंड इसमें हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे सारे नोटिस को जो कि 9th ऑफ सितंबर को पीयू ने रिलीज़ किया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड की. जो एडमिट कार्ड हैं वो 12th ऑफ सितंबर को अवेलेबल हो जाएंगे बोथ रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए. जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनका एडमिट कार्ड उनका डिपार्टमेंट सेंड करेगा और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. अभी वो लिंक एक्टिव नहीं हुए हैं एंड जब भी वो एक्टिव होते हैं 12th को हम उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाएंगे ताजो आपको कोई दिक्कत ना हो. और इन केस अगर जैसे ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए वो अपना आईडी पासवर्ड याद नहीं है उन्हें या उन्हें कुछ पता नहीं है तो जो कि अपनी वो बेसिक डिटेल्स हैं जैसे कि जो यहाँ पे स्लाइड में है वो अपनी सारी डिटेल्स भर के अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो जो लिंक्स हैं वो 12th को एक्टिव होंगे एंड हम उनका लिंक ऑनलाइन डाल देंगे ताजो आपको कोई दिक्कत ना हो. और एक और बात आई थी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके अगर उनको एडमिट कार्ड चाहिए उनकी डेट शीट्स में ये लिखा गया था कि उन्हें पहले अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है? जो कि पासिंग ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपने सारे ड्यूज क्लियर करने होते हैं. जैसे कि अगर उनका कोई लाइब्रेरी का पेंडिंग फाइन पड़ा है, अगर उन्होंने कोई लाइब्रेरी की बुक नहीं रिटर्न करी है, अगर वो हॉस्टल रेजिडेंट्स हैं तो उन्होंने अपने हॉस्टल के मेस या कैंटीन बिल पे किए हैं या नहीं किए हैं, उस चीज़ के लिए ताजो बच्चे अपना एग्ज़ाम्स देने के बाद डिग्री लेने के बाद और डिफ़ॉल्टर्स ना हो जाएं इसलिए उन्हें एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है हर एक यूनिवर्सिटी में कि वो अपने सारे नोड्यूज क्लियर करवाएँ. तो पहले ये कंडीशन थी बट हाल ही में 10 सितंबर को ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से उन्होंने ये चीज़ अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ की कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो इस चीज़ को फ़िलहाल रोक दिया गया है. मतलब अब स्टूडेंट्स को इमीडिएटली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है. डिपार्टमेंट उन्हें वैसे ही रोल नंबर दे देगा बट उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या अपने नो ड्यूज ज़रूर क्लियर करने होंगे. उसके बिना उनकी फाइनल डिग्री रोक दी जाएगी जब तक वो अपने नोटिस क्लियर नहीं करते. और ये जो लिंक्स हैं अभी वो एक्टिव नहीं है, ये पुराने लिंक्स हैं बट ये जब भी अपडेट होते हैं हम ये इनको भी अपलोड कर देंगे. और क्वेश्चन पेपर भी एग्ज़ाम वाले दिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको उनका डिपार्टमेंट सेंड कर देगा बाय देयर ईमेल आईडीज एंड उसके लिए सून ही शायद डिपार्टमेंट सारे एक बार ईमेल्स की लिस्ट रिवाइज करेंगे ताजो सारे बच्चों के ईमेल का डाटा उनके पास हो और वो उन्हें ईमेल्स भेज सकें ऑन टाइम ताजो कोई भी पीछे ना रह जाए. और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको तो ऑनलाइन ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा और ये सारे मतलब उनके जैसे कि टाइम है जैसे पेपर जैसे कि 9 से 11 वाला पेपर है तो अराउंड 8:50 के आसपास उनके क्वेश्चन पेपर्स वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे और वो प्राइवेट कैंडिडेट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और इवन रेगुलर स्टूडेंट्स के भी एक बार क्वेश्चन पेपर्स वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे इन केस अगर वो डिपार्टमेंट से थोड़ा बहुत कोई टेक्निकल इशू की वजह से डिपार्टमेंट ऑन टाइम क्वेश्चन पेपर सेंड नहीं कर पाता है तो वो ऑनलाइन वेबसाइट से भी चेक कर सकेंगे. और जो टाइमिंग्स डिसाइड किए गए हैं एग्ज़ाम्स के वो 3 स्लॉट्स हैं.
9 से 11, 10 से 12, 2 से 4, और ये जो 8:40, 9:40 और 1:40 लिखा है, ये वो टाइमिंग है जिस टाइम पर डिपार्टमेंट को क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे, ताकि वो आगे प्रोसेस करके रेगुलर स्टूडेंट्स को भेज सकें। और जैसे प्राइवेट का तो अराउंड 8:50, 8:55 के आसपास वो क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर ही सेंड कर दिए जाएंगे। और 9 से 11 पर आपने पूरा एग्ज़ाम अपना लिखना है, उसके बाद 11 से 1, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 9 से 11 वाले स्लॉट का, आपको उसके बाद 2 घंटे और दिए जाएंगे, ताकि आप इजीली अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकें, प्रॉपर वेरीफाई कर सकें और उसको इधर ऑनलाइन अपलोड कर सकें। उसके लिए ईमेल आईडी, एड्रेस या कोई वेबसाइट पर एक एरिया दिया जाएगा जहां पर आप अपने आंसर शीट्स अपलोड कर सकते हैं। और ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर शीट्स अपनी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक ऑफलाइन मेथड भी दिया गया है। आप अपने आंसर शीट को एक प्रॉपर सील पैकेट में रखकर वाया स्पीड पोस्ट यूनिवर्सिटी को वो सेंड कर सकते हैं, एंड उसके लिए यूनिवर्सिटी फर्दर नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर रहा है, और फर्दर अपने नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट भी जारी करेंगे जल्दी ही, जहाँ पर आप ये सारी ग्रीवेंसीज, अगर आपको कोई इशू आ रहा है स्पीड पोस्ट में, या फिर आपको ऑनलाइन कुछ भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, वो सारी ग्रीवेंसीज वहाँ पे साथ ही साथ सॉल्व की जाएंगी। और जो थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, एंड जो ब्लू बॉल पॉइंट पेन के पीछे लॉजिक ये है, क्योंकि अगर हम जेल पेन यूज़ करते हैं, तो जेल पेन का मोस्टली ये होता है कि उसकी इंक बिखर सकती है। कैसे, आप अब आप सोचेंगे कि हमने तो स्कैन करके भेजना है, बट पीयू ने एक ओवरऑल तरीके से आइडिया बनाया है, क्योंकि कुछ बच्चे स्कैन करने की जगह शायद पोस्ट करना प्रेफर करें, एंड उस पोस्ट करने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं अगर बाय चांस कोई मॉइस्चर हो या किसी भी तरीके से इंक फैलने के डर रहता है और शीट्स स्पॉइल हो सकती हैं, सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पीयू ने ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ करने के रिकमेंडेशन दिया है। इवन शीट्स भी पीयू ने वन साइड यूज़ करने के लिए इसलिए कहा है, क्योंकि बाय चांस अगर इंक स्पॉयल हो जाती है, इवन इन बॉल पेन, अगर जैसे कई बच्चे पेन डार्क यूज़ करते हैं, कोई इंक पेन यूज़ करता है, तो इंक स्पॉयल होने का डर रहता है, और वर्ड्स अगर विजिबल ना हो तो सारा ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का कॉन्सेप्ट खराब क्वेश्चन में आ जाता है। सो इसलिए हम तभी आपको रिकमेंड करेंगे कि सिर्फ वन साइड पे लिखिए और बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करिए। और जो फोर्थ पॉइंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम पेज लिमिट इज 12 शीट्स, मतलब आपको A4 साइज शीट लेनी है, और प्रेफरेबली लाइंड, जो कि हम रेकमेंड करेंगे कि आप लाइंड शीट्स ही यूज़ करें, क्योंकि प्लेन शीट्स में जैसे कि पहले ही पेजेस बहुत कम कर दिए गए हैं, और प्लेन पेजेस पर वर्ड मैनेजमेंट का इशू आ सकता है, ताजो आप बाद में अपने आंसर स्पॉइल ना करें। रेस्ट इट्स टोटली अप टू यू, बट वी वुड से एज पीयू हैज सेड इटसेल्फ दैट प्रेफर ओनली लाइन शीट्स एंड द मैक्सिमम पेज लिमिट इज 12 शीट्स। सो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि शीट्स का कैसे होगा, कि जो एडमिट कार्ड है उसको भी 12 शीट्स के अंदर ही इंक्लूड करना है। जो आप एंड में डॉक्यूमेंट बनाएंगे, 12 शीट्स तो आपकी वो हैं जिन पर आपने अपना सारा आंसर्स लिखने हैं, और जो एडमिट कार्ड है वो 13th पेज माना जाएगा। सो टोटल आप एक हिसाब से 13 पेज हो जाएंगे। और पहले जो पहले इंस्ट्रक्शंस आए थे, उसमें ये लिखा था कि आपको हर एक पेज के ऊपर अपना नेम, नेम, रोल नंबर एंड ऑल दी अदर डिटेल्स लिखनी है, बट जो इस इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपको अपने फर्स्ट पेज पे, जो 12 शीटों में पहला पेज है, सिर्फ उस पर ही अपनी सारी डिटेल्स लिखनी है, ये वाली डिटेल्स कि यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ पेपर, आपको ये सारी डिटेल्स अपने सिर्फ पहले पेज पर लिखनी है, उसके बाद आपने अपने आंसर शुरू कर देने हैं। और अबाउट क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नेचर का नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस में आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड
एक सिक्स पॉइंट में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जैसे कि 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर मतलब अगर 80 मार्क्स का पेपर आपको आता है तो आपको 40 मार्क्स पूरे करने ही करने हैं। मतलब आप क्वेश्चंस की काउंट पर नहीं जाएंगे, आप अपने मार्क्स की काउंटिंग पे जाएंगे कि आपके 50% ऑफ द मार्क्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड सपोजिटली अगर कोई क्वेश्चन 9.5 मार्क का है एंड आप उसको 10 मार्क्स नहीं कंसिडर करेंगे, आप उसको 9 मार्क ही कंसिडर करेंगे, एंड आपको उस अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है ताकि जो आपके 50% मार्क्स भी पूरे हो जाएं। और जो आपने आंसर लिखना है, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इट शुड बी रीजनेबल, स्पेसिफिक एंड टू कवर्ड विद इन टाइम लिमिट ऑफ 2 आवर्स। सो जैसे कि 3 पेजेस हमें मिल रहे हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स को यूजुअली 6 to 8 पेजेस मिलते थे किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सो इस पर वर्ड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरत होगी। सो वी वुड रिकमेंड कि आप स्पेसिफिक टू द पॉइंट चीज़ें ही लिखें ताँ जो आपको बाद में ऐसा ना फील हो कि पेजेस ख़त्म हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन तक जाते जाते आपकी शीट्स कम पड़ गई हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्वेश्चंस को अपने फ्रेम ही इस तरीके से करें कि उनमें सारी बात भी एक्सप्लेन हो जाए और वो जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा रहे। और ऑन 10 सितंबर एक न्यूज़पेपर में उन्होंने एक आर्टिकल आया था जिसमें ये लिखा था कि पीयू इस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो जो बच्चे सिर्फ सारा साल पढ़े हैं, सिर्फ वही बच्चे ही इसको क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएँ, और जो बच्चे सोच रहे हैं कि वो चीटिंग कर लेंगे और मे बी बुक से रेफर करके पूरा प्रॉपरली सारे आंसर्स अच्छे तरीके से लिख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ये ऐसा एक आर्टिकल में लिखा गया था, बट हम जस्ट ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जस्ट अपने नोट्स इकट्ठे कीजिए, उनको बस एक बार गो थ्रू हो जाइए। क्वेश्चंस घुमाना एंड ऑल इज़ नॉट अ बिग थिंग, ओके? एंड अगर आपको एक बार जस्ट सिलेबस का पता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, क्योंकि इस बार तो आपके पास एक प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस है, आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि दे विल फ्रेम सम काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज़ दैट काइंड ऑफ डिफिकल्ट दैट यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट इट, राइट? सो जस्ट इग्नोर दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड जस्ट एंड जो 8th पॉइंट है उसमें जो आपकी आंसर शीट है उसका PDF बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है, और इन्होंने कहा है कि जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसको भी आप उस अपनी PDF में ऐड करेंगे, वो फर्स्ट पेज पे आएगा, उसके बाद आपकी आंसर शीट शुरू होगी। एंड इसके लिए वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाला है, इसके इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। ऑल्सो हमने 2 वीडियोस डाले हैं, एडोब स्कैनर एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। सो जौन सा भी आपको बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड आंसर शीट सबमिशन का हमने शुरू में ही उस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन दे दी थी, एंड वो आपने शुरू में सुन ही ली होगी। ऑल्सो अगली हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जितने भी नोडल ऑफिसर्स के एरियाज हैं या उनकी लिस्ट है या जो भी हेल्पलाइन ईमेल आईडीज हैं या किसी भी तरीके की हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट्स हैं और एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जब 12th के बाद जब प्रॉपर सारी लिस्ट आ जाएंगी। एंड ताजो उससे पहले एंड जो जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स के लिस्ट हैं, उनके एरियाज़ हैं और एग्ज़ाम हेल्पलाइन ईमेल आईडीज़ जो बनाई गई हैं और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो हम 12th को या 13th को हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी वो डिटेल्स मेंशन होंगी। सो स्टूडेंट्स वो चीज़ चेक कर सकते हैं, एंड वो वीडियो हम इसी यूट्यूब चैनल पर ही अपडेट करेंगे, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताजो आप वो अपडेट मिस ना करें। एंड जैसे कि
बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को, जैसे कि सभी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है, तो उसके लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जब किसी भी तरीके का एग्ज़ाम अपडेट आता है या कि कोई भी इंटर्नशिप अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी तरीके का जॉब है जो मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हो, हम उन चीज़ों का भी अपने पेज पर डिटेल्स अपलोड किया करेंगे, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उनका जितना जल्दी हो सके रिप्लाई ज़रूर करेंगे।